17 तारीख को बांदा के ट्रामा सेंटर अस्पताल में मैं रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची थी। वहां पर 10 साल के लड़के की मौत मेरे आंखों के सामने तड़प तड़प कर हो गई। लड़के के चाचा ने सुबेरे से पर्चा कटवाकर लड़के को भर्ती कर इलाज करने की मिन्नत मांगता रहा, पर डॉक्टरों ने एक भी नहीं सुनी। यहाँ पर कितने दिन तक भर्ती रही है? एक महीना पर और आज खत्म हुआ। अच्छे से नहीं हुआ था, ठीक हो गया था, ले गएंगे घर, फिर आज लेके आएंगे। तो आज क्या बोला डॉक्टर? कुछ कहा न तो भर्ती की न तो जवाब दी कि बाहर ले जाओ, कुछ नहीं करेंगे। पलंग भी मिल गया है, सब चीज मिल गया है। कम से कम घूमा तो लेके रहते बच्चा, इलाज तो करते हो? दोपहर में बहुत कहने के बाद डॉक्टर ने आला लगाया और उस लड़के को मृत घोषित कर दिया। लड़के का परिवार रोता बिलखता घर चला गया। अरे आखिर ये अस्पताल है किसके लिए? ये गरीब लोग अपना इलाज कराने के लिए कहाँ जाएं? किस लिए बनाए गए हैं सरकारी अस्पताल? मैं ऑक्सीजन की व्यवस्था को देखने के लिए पहुंची थी। ऊपरी तौर पर मुझे सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा था। मैं डॉक्टर से मिली और मैं ऑक्सीजन के भंडार को देखने की इजाज़त मांगी, पर मुझे वहां पर जाने से रोक दिया गया। ये सब देख करके लगा कि यहां पर भी कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ये माँ खुशियों के साथ में दुख भरा भी रहा है, क्योंकि गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से हुए बच्चों की मौत से सबका दिल दहल गया है। बच्चों की आत्मा की शांति के लिए मैं कामना करती हूँ। इस घटना को सुनकर मेरे पुराने घाव ताजे हो गए हैं। मैं इस बार स्वास्थ्य पर कुछ चर्चा करना चाहती हूँ, जो मैंने खुद में झेला, देखा, मेरे दोस्तों ने देखा और मैंने जो रिपोर्टिंग की है। इन मुद्दों को मैं बांटना चाहती हूँ जिनको सुनकर रूह कांप जाती है। मेरी अपनी सहेली जिसका नाम श्रद्धा है, वो फैजाबाद जिला की रहने वाली है। 2012 में श्रद्धा चित्रकूट जिला में एक ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए आई थी। उसके गोद में 3 माह की बच्ची थी जिसका नाम श्रेया था। श्रेया की रात में अचानक से तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं उसको लेकर सरकारी अस्पताल गई। इमरजेंसी वार्ड में जैसे मैं पहुंची, वहां पर डॉक्टर नहीं थे, एक कंपाउंडर था जो श्रेया को भर्ती करने से मना कर रहा था। लेकिन श्रेया का तेज बुखार और सांस की तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं कंपाउंडर से मिन्नत करती रही कि आप इसे भर्ती कर लो। बहुत कहने के बाद उसने कुछ देर के लिए भर्ती किया और श्रेया के मुंह में ऑक्सीजन लगा दिया, पर हालत उसकी बिगड़ती ही जा रही थी। थोड़े देर में कंपाउंडर ने बोला कि आप इसको और कहीं ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है और मैं इसको नहीं देख सकता हूँ। श्रेया को लेकर मैं चित्रकूट जिला के करबी कस्बा में जो सरकारी डॉक्टर थे उनके आवास में गई। उनके रात में दरवाज़ा खटखटाई, पर उनका दरवाज़ा नहीं खुला। अंदर से आवाज़ आई कि डॉक्टर अभी बाहर गए हुए हैं। दूसरे डॉक्टर के पास गई जो बाल विशेषज्ञ थे। उन्होंने देखा लेकिन हाथ नहीं लगाया। मैं तीसरे डॉक्टर के पास गई, उसने भी हाथ नहीं लगाया। श्रेया की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थी। उसकी हालत को देख करके मेरे हाथ पैर फूल रहे थे, मेरा पूरा शरीर कंप रहा था। एक के बाद एक 8 डॉक्टरों के पास मैं उसको ले करके गई, लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगाया। मेरे ही आँखों के सामने
मेरी ही गोद में श्रेया की मौत हो गई। योगी आदित्यनाथ का गढ़ माने जाने वाला गोरखपुर के पीआरडी अस्पताल में 70 के ऊपर बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई है और इस मौत को मौसमी बीमारी कहकर सरकार अपना पल्ला क्यों झाड़ रही है। बुंदेलखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बहुत ही खराब है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है, जिसके लिए लोगों को ब्लॉक या जिला तक में इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। कई केंद्र डिलीवरी पॉइंट घोषित हैं लेकिन वहां पर डिलीवरी ही नहीं कराई जाती है, क्योंकि ना तो डॉक्टर हैं और ना ही नर्स। वहां पर व्यवस्थाएं भी किसी तरह की नहीं हैं। सरकारी अस्पताल की हालत तो और भी बुरे हैं। छोटी बीमारियों से लेकर के बड़ी बीमारियों तक का सही से इलाज नहीं होता है, जिसके लिए लोगों को कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर दिल्ली के अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। बुंदेलखंड पिछले कई सालों से डेंगू जैसे गंभीर बीमारी का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर बरसात खत्म होने के बाद ही डेंगू जैसी बीमारी अपना पैर पसारना शुरू कर देती है। पिछले साल बांदा जिला के जमालपुर, मवई जैसे सैकड़ों गांवों में अनगिनत लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। तो कितने लोग इसका शिकार हो चुके हैं? तीन लोगों की जाने जा चुकी हैं। तीन लोग जाने। और अभी कितने लोग बीमार हैं? अरे दूसरे आदमी बीमार। जमालपुर और मवई गांव में मैं रिपोर्टिंग करने के लिए जब पहुंची तो वहां के हालात बद से बदतर थे। गांव के चारों तरफ गंदगी का अंबार था। गांव के गली, नाला, नाली और गड्ढों में न जाने कितने सालों का गंदा पानी जमा था। सफाई न जाने कितने सालों से नहीं हुई थी। लोगों से पता चला कि एक के बाद एक हो रही डेंगू से मौत को सरकारी डॉक्टर क्यों नहीं रोक पाए। वजह पता चली कि अस्पतालों में डेंगू से बचने के लिए ना तो कोई खास इंतजाम था और ना ही व्यवस्था। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसी बीमारियों से बचने के लिए सरकार के पास में खास इंतजाम नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर ये अस्पताल हैं किस काम के? बुंदेलखंड में डेंगू जैसी बीमारी हर साल दस्तक देती है। इस साल भी बरसात खत्म हो गई है, डेंगू के लक्षण मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन कोई खास इंतजाम अभी से नहीं किया जा रहा है। मुझे अभी से डर भी लग रहा है और शक भी है कि कहीं पिछले जैसे के हालात फिर से ना पैदा हो जाएं, कहीं बुंदेलखंड भी एक और गोरखपुर ना बन जाए। 2 साल पहले मैं एक केस की रिपोर्टिंग करने के लिए बांदा जिला के तिंदवारे ब्लॉक के एक गांव में गई थी, जहां पर एक बड़ा मामला हुआ था। गांव के एक व्यक्ति के पैर में सड़न पैदा हो गई थी और उसने कई जगह पर इलाज कराया, पर तिनवारी का एक झोला छाप डॉक्टर ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारे पैर का ऑपरेशन करके ठीक कर दूंगा, और उससे 75,000 रुपये लिया। और जिस समय ऑपरेशन की बारी आई तो पता उसने क्या किया? जिस आरी से हम लकड़ी काटते हैं उस आरी से उसने उस व्यक्ति के पैर को ही काट दिया, जिसके वजह से दरे में उसकी मौत हो गई। इतना हंगामा हुआ, मैं रिपोर्टिंग करने गई जिसकी वजह से उसे जेल भी हो गई। उस रिपोर्टिंग को करते समय मेरी रूह कांप रही थी। आज उस घटना की याद फिर से ताजी हो गई और अब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं दोबारा से। तो जब खड़े रहे हम, अपना काम किया, वो उसने आरी उठाया, वो ब्लेड आरी ब्लेड वाली में जो लोहा काटा जाता है, लोहा काटने वाली आरी से, उसी को उठा के और
इंजेक्शन लगाया दो ठो लगा करके बस लड़के से पूछा कि ये झुंड कर रहा है तो लड़का कहा कि हाँ झुंड कर रहा है। एक बात उनने कहा कि तभी ठीक है नवल उसके ऐसे मुंह बांध दिया लड़के का से ऐसे बांध करके बस लेटा दिया और लेटा करके दोनों आदमी पूत बाप दोनों इधर उधर होकर के दोनों आदमी से झेक के अच्छा काटना शुरू कर दी। कहाँ से काटा था? यहाँ से काटा सीधे काटना शुरू कर दी उनने नीचे से। तब लड़का कहा कि यार हाँ डॉक्टर साहब लग रहा है बहुत जोर से लग रहा है। उनने कहा बस थोड़ा कसर रह गया है नहीं लगेगा आप काम हो जाएगा। तो लड़का इसी तरह तलफते रह गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो तुम जान मारते हो? उसने कहा नहीं जान नहीं मारते यार कुछ में कुछ तो तकलीफ मिलता है। तो बस इतना भगवान तुम कहो चुप ठाट खड़े रहना हल्ला न करना और सारा आगे काटा है उनने से खून भक्के दिन निकल के सब बह गया उसका एक बार में। अब बह के बस बाद में पानी भी निकलता रहा है थोड़ा थोड़ा तो काट के पाकर अंदर दूरी फेंका है उनने और जल्दी जल्दी आवा टाचे वाके किया है और उसके बाद उसके कुछ नहीं रह गया था लड़का का बोल बंद हो गया काम हो गया। आपको हमारे जमीनी स्तर से जुड़े मुद्दे कैसे लगते हैं इसके बारे में आप हमें ज़रूर से लिख करके भेजिए। वैसे भी आप लोगों के सुझाव पहले भी हमको मिल चुके हैं जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। अगले शो में फिर मिलते हैं नए मुद्दे और करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।